ओम शांति। 1 दिसंबर हर साल पूरे विश्व में वर्ल्ड एड्स डे के रूप में मनाया जाता है। एड्स ये बीमारी 1981 अमेरिका, 1986 इंडिया में आया और अभी पूरे विश्व में, खास करके अफ्रीकन कंट्रीज और भारत और एशियन कंट्रीज में इसका संक्रमण बहुत है। पर पूरे विश्व के लिए इस समय समस्या है, थ्रेट है, इसलिए इसको वर्ल्ड एड्स डे के रूप में मनाया जाता है। एड्स ये फाइनल स्टेज ऑफ डिसीज है। ये बीमारी होती है एक वायरस से जिसका नाम है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये वायरस हमारे शरीर में बॉडी फ्लूइड्स का संक्रमण होता है तब आता है, माना ब्लड, इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड अगर हमारे बॉडी में गया डायरेक्टली ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, या फिर उस व्यक्ति ने इस्तेमाल की हुई नीडल को आपने यूज़ किया, जैसे कि ड्रग यूज़र्स, इंट्राविनस ड्रग यूज़र्स इस्तेमाल करते हैं, तो उसके द्वारा ये फैलता है। खास करके भारत में, ईस्टर्न स्टेट्स में, या जहाँ पर भी ड्रग यूज़र्स जो इंजेक्शन से ड्रग्स लेते हैं और साथ में बैठे, वो एक ही नीडल का इस्तेमाल करते, उससे फैलता है। असुरक्षित शारीरिक संबंध, समझो अगर संबंध आया और उस व्यक्ति को HIV इन्फेक्शन है तो वो हो सकता है। और तीसरा, जिस माँ को HIV इन्फेक्शन है उसके दूध के द्वारा बच्चे में जा सकता है। आज पूरे विश्व में इसके काफ़ी मरीज़ है, भारत में काफ़ी मरीज थे, लेकिन नेशनल एड्स डे और नैको, नेशनल एसोसिएशन ऑफ कंट्रोल ऑफ एड्स, इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बहुत अच्छा काम हुआ है और पूरे विश्व में अच्छा काम हो रहा है। हमने काफ़ी संख्या कम की है, लेकिन हमारे सामने अभी चैलेंजेस ये है कि नए एड्स के मरीज़ कम हो, जो है उनका इलाज अच्छा हो और उनका स्वास्थ्य भविष्य में अच्छा रहे। तो इसके लिए कुछ खबरदारी हमको रखनी है। पहले तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेते समय ये देखना है कि रजिस्टर्ड ब्लड बैंक से ले आपका ब्लड, जो भी आप लेते हैं वो HIV निगेटिव होना चाहिए। किसी का भी इस्तेमाल किया हुआ नीडल इस्तेमाल नहीं करें। शारीरिक संबंध डेफिनेटली, असुरक्षित जिनको आप जानते नहीं हैं तो आप इसमें खतरे में आ सकते हैं, वहाँ पर ध्यान रखें। राजयोग के द्वारा अगर आप राजयोग का अभ्यास करते हैं तो देखा गया है कि राजयोग से प्रतिकार शक्ति बढ़ती है, क्योंकि HIV होने के बाद में शुरुआत के लक्षण नॉन स्पेसिफिक होते, फ्लू जैसे होते, बॉडी पेन, फीवर, चिल्स, रैश, ऐसे लक्षण होते हैं 2-4 हफ्ते के बाद में। और फिर जब जैसे यह एडवांस स्टेज में जाता है तब लास्ट में एड्स होता है और उसमें एक सामान्य इन्फेक्शन से व्यक्ति का शरीर छूट सकता है। तो हम खबरदारी लें, इसके लिए दवाइयाँ है लेकिन इसका क्योर नहीं है। ये दवाइयाँ ART थेरेपी कहते हैं। इससे क्या हुआ है कि जो आयु है वो बड़ा हुआ है, लंबा और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं अगर आप नियमित रूप से ये दवाइयाँ लेते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट हम कहेंगे, प्रिवेंशन इज़ बेटर। अगर हम अपने ऊपर नियंत्रण रखें, कंट्रोल रखें अपनी वासनाओं के ऊपर और ऐसे असुरक्षित शारीरिक संबंध नहीं बनाएं और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के वक्त ध्यान रखें और सेफ नीडल्स इस्तेमाल करें, अगर ड्रग यूज़र से उसके लिए गवर्नमेंट स्पेशल अलग नीडल्स देती है, लेकिन हो सके ऐसे ड्रग्स ले ही ना तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम सब मिलकर इसके बारे में ध्यान रखें तो अपने आप को HIV से और एड्स से बचा सकते। तो आइए 1 दिसंबर को हम फिर से जागरूक रहे कि स्वयं को, अपने रिश्तेदारों को, घर वालों को और पूरे देश और विश्व को एड्स से मुक्त बनाएं। धन्यवाद। ओम शांति।